Yes, we are like now. This is Shivani Singh from examination. हम discuss करेंगे. So friend, जैसा आप सब जानते हैं कि हम continue preparation कर रहे थे SSC GD Constable 2025 के exam के, ठीक है? So यहाँ पे जो है एक दो दिन के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे videos नहीं आई उसके लिए, ठीक है? Sorry. So यहाँ पे अब जो है बिल्कुल continue videos आएगी. So friends, देखो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम session करेंगे. और ये जो आज का session है, बिल्कुल जैसा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, है ना, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, देखो SSC GD SSC JD MTS 2025 जरूर वृद्धि का हासिल करेंगे. GK और GK, ठीक है, GK GS, ठीक है. प्रैक्टिस सेट यहाँ पे जो है ये आपका 8 है. बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेशन करेंगे. यहाँ पे सवाल ऐसे जो सिलेक्शन दिला दे, इतनी गजब के, बिल्कुल मैं कहूँ ना कि आपका जो यहाँ पे स्विफ्ट फर्स्ट का पेपर हुआ था ना, बिल्कुल सारे MCQs GK GS के आज मैंने वहीं से लिए हुए हैं. अगर आपको जो है बिलीव नहीं है तो आप चेक करके देखना, ठीक है. चेक करके आप जो है SSC JD कॉन्स्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाना, वहां से चेक करके देखना. सारे क्वेश्चंस, सारे टू जेड क्वेश्चंस मैंने वहीं से आज के उठाए हैं. इतने लेंथी क्वेश्चंस एंड इतने बेहतरीन गजब के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके क्वेश्चंस इससे पहले एग्जाम्स में आए हैं. बिल्कुल जुनून क्या है वर्दी का, जब तक हासिल नहीं करेंगे रुकेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, है ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं. तो चलिए फिर स्टार्ट कर दे रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से. और जैसा आप सब जानते हैं कि GK GS आप मेरे साथ कर रहे हैं भाई शिवानी सिंह के, है ना. सो कंटिन्यू, यहाँ पे जो है हमने 7 प्रैक्टिस सेट इसके कर लिए हैं, ये 8 है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है. तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंटरेस्ट के तरीके से हम चीजों को यहाँ पे जो है आज सीखने वाले हैं. और बिल्कुल जैसा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, एकदम कितने लेंथी क्वेश्चंस एंड ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर जो कि आपके SSC JD कॉन्स्टेबल के एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं, सारे वही क्वेश्चंस मैंने आज उठाए हुए हैं, ठीक है. चलो, सो गाइस, यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में यानी कि 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की, उस महिला का नाम क्या था? यहाँ पे देखो, मंतगिनी हाजरा था, या फिर कनकलता बरुआ था, या फिर भीकाजी कामा था, या फिर अरुणा आशफ अली था. ओके, ये बेहतरीन, बहुत ही एकदम क्या कह सकते ना, एकदम बिल्कुल लल्लन टॉप क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है. देखो, 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की, उस महिला का क्या नाम था? ठीक है, उस महिला का नाम था क्या भाई? मंतगिनी हाजरा. और ये बहुत फेमस क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने जो है मरते मरते भी इन्होंने अपने हाथ से जो तिरंगा है, जो हमारी शान है ना, इसको नहीं छोड़ा था. यहाँ पर बिल्कुल आप जो है इन लेडी की, महिला की इमेज देख सकते हैं और इनके लिए एक लाइक तो बनता है. फटाफट जो है वीडियो को, सेशन को लाइक कर दीजिए. ओके, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ना, ये है मंतगिनी हाजरा की इमेज. और इनके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी जानने की कोशिश करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी यहाँ पे आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग. जैसा मैंने भी आपको बताया कि 1977 में जो बंगाल सरकार है, इन्होंने कोलकाता मैदान में एक मंतगिनी हाजरा की पहली मूर्ति यहाँ पे क्या की, स्थापित की थी. अच्छा, जो मंतगिनी हाजरा है ये एक महिला स्वतंत्रता सेनानी थी. क्या थी? ये एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भी थी जो कि हम आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चन कराया. ओके, और ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल थी. किसमें? जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उसमें भी क्या थी, ये शामिल थी. यहीं पे जो है गोलीबारी होने के बाद भी वे तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़ती रही. जैसे ही देखो, मैंने आपको बताया कि बहुत यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा गोलीबारी चल रही थी और ये जो है गोलीबारी में भी डरी नहीं और अपने तिरंगे को अपने हाथ में लेके कंटिन्यू चलती रही. इसलिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है एंड ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि ये हमारे जो है तिरंगे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, हमारे तिरंगे झंडे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है. और हम किसी चीज की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल SSC JD कॉन्स्टेबल, किसकी? कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं. तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आपको दिल से मोटिवेट करेगा और बेहतरीन तरीके से. ठीक है, देखो किस तरीके से इस लेडी ने गोली चलते चलते भी, है ना, गोली चलते चलते भी अपने तिरंगे को नहीं छोड़ा, है ना. तो इसलिए ये आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन तो आना बिल्कुल क्या है, तय है एग्जाम्स में. आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा अब, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब, भागीरथी, कोसी या फिर झेलम? भाई, एक है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, तो ये जो है बनाया गया है चेनाब नदी पर. किस नदी पर? चेनाब नदी पर. और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नदी है चेनाब नदी है. और ये जो आपको यहाँ पे इधर दिख रहा है ना, ये क्या है, यहाँ पे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है. क्या है ये? पावर स्टेशन है जो कि यहाँ पे चेनाब नदी पर ये जो है बनाया गया है.
ओके। और आइए हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है भाई, सलाल बांध, जिसे कि हम सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। देखो इसको सलाल बांध भी कहते हैं और पूरा नाम इसका सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी हम इसको जो है कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर, कहां पर, जम्मू और कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी है, यहां पर एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है, यहां पर है ये आपकी। अगर पूछे चिनाब नदी कहां पर है, जम्मू और कश्मीर में है। कहां पर है भाई, जम्मू और कश्मीर में, ये भी आपको यहां पे पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। चलो आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चंस भी बेहतरीन है भाई। अक्टूबर 2020 में निवेश संवर्धन और सरलीकरण एजेंसी गाइडेंस ने राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र यानी कि AMHUB स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF, इसके फुल फॉर्म में W की वर्ल्ड बनेगा, E से इकोनॉमिक बनेगा, F से क्या बनेगा, फोरम बनेगा, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के साथ भागीदारी की आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, केरल ने या फिर कर्नाटक ने। अक्टूबर 2020 में निवेश संवर्धन और सरलीकरण एजेंसी गाइडेंस ने राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ में क्या की भागीदारी की, वो कौन सा यहाँ पे स्टेट है। और आप इस तरीके से यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो इमेज है ना ये आपको इधर नजर आ रही है साइड में। तो अब यहाँ पे जो है बताना है यहाँ पे अक्टूबर 2020 का वो क्या था, टाइमिंग था, जबकि निवेश संवर्धन और सरलीकरण, ठीक है, एजेंसी गाइडेंस ने राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ भागीदारी की थी, और वो यहाँ पे स्टेट है क्या, तमिलनाडु। वो कौन सा स्टेट है भाई, वो है तमिलनाडु, जैसा यहाँ पे इमेज में भी क्लियर आपको दिख रहा है, ओके, ये यहाँ पर देखो, ठीक है, ये क्या है, निवेश संवर्धन और सरलीकरण एजेंसी गाइडेंस है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ इन्होंने क्या की भागीदारी की। चलो और कुछ इनके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये है जो सहयोग है, भी मैंने आपको बताया तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण नीति 2020 के अनुरूप है। देखो AMHUBWEF के द्वारा डिजाइन किए गए 19 जो प्लेटफॉर्म है ना उनमें से एक माना जाता है ये आपका AMHUBWEF के द्वारा डिजाइन किया गया है पूरा, और जो 19 प्लेटफॉर्म है ना उन 19 के 19 प्लेटफॉर्म में से सबसे बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलता है और भाई माना जाता है। AMHUB के सहयोग से राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत गतिशीलता और सौर ऊर्जा और टेक्सटाइल में अवसरों का दोहन करने में सक्षम होगा। ये यहाँ पे जो AMHUB है इसके सहयोग से राज्य में जो तमिलनाडु स्टेट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बिजली, ठीक है, और विद्युत गतिशीलता है ना काफी बेहतरीन तरीके से सौर ऊर्जा और टेक्सटाइल में अवसरों का दोहन करने में सक्षम होगा इसी तरीके से, इसीलिए यहाँ पे जो है इस स्टेट में यहाँ पे जो है इसको लगाया गया था कब, 2020 में। क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चंस भी आपके SSC JD कांस्टेबल के एग्जाम्स में आया हुआ है। अब बेहतरीन क्वेश्चंस देखो क्या बनेगा यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन तो लेंथी है लेकिन बस यहाँ पे हमें बताना है SLR की फुल फॉर्म क्या है। देखो SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे SLR का पूर्ण रूप बताना है कि इसका पूर्ण यहाँ पे नाम क्या है। ऑप्शन जैसे आपके सामने है यहाँ पे, देखो ऑप्शंस यहाँ पे जो है आपके सामने हैं, देख लो, स्टेटरी लिक्विडिटी रिजर्व या फिर इस यहाँ पे जो स्टेटमेंट है और भाई लिक्विडिटी रेशियो, यहाँ पे देखो स्टेटरी है और लिक्विडिटी रेट, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है क्या है रिटेलरी है, सॉरी यहाँ पे क्या है स्टेटरी है, क्या है यहाँ पे स्टेटरी है, ये ऐसे बनेगा, ये क्या है स्टेटरी है, देखो स्टेटरी और फिर लिक्विडिटी और फिर रेशियो, क्या है रेशियो, है ना, इस तरह से, ये हिंदी में थोड़ा गलत बना हुआ है, ठीक है, क्या बनेगा रेशियो, देखो स्टेटरी लिक्विडिटी और क्या है रेशियो, यहाँ पे क्या है रिजर्व है, क्या है रिजर्व है, तो देखो लास्ट में रिजर्व है और इधर रेशियो है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे रेट है, तो सही क्या होगा, सही होगा यहाँ पे क्या स्टेटरी, क्या होगा स्टेटरी, इंग्लिश वाले देख लो आप, इंग्लिश वाले बिल्कुल एक्यूरेट राइट है, देखो ये देख लो उधर थोड़ा वहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुई, देखो स्टेटरी लिक्विडिटी और रेशियो, जो ये SLR है ना S, ये क्या है S, ये LR, R से क्या बनेगा रेशियो, L से क्या बनेगा लिक्विडिटी, S से क्या बनेगा स्टेटरी, क्या बनेगा स्टेट
टेरिटरी बनेगा। ठीक है, तो SLR की फुल फॉर्म हमसे पूछा था, जो कि मैंने आपको बताया SLR की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, देख लो क्या है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये इसकी क्या है SLR की फुल फॉर्म में आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन से चलो आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चंस और बेहतरीन क्वेश्चंस होगा ये भी देखो। यहाँ पर वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था, एक चरखा रखा गया था कब, 1926 में, 38 में, 1931 में, 1929 में। वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था, और जैसा आप देख रहे हैं ना ये यहाँ पे है ना, ये क्या है, ये क्या है, चरखा क्या है, एक चरखा ही रखा गया था। तो भाई जो ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय जो तिरंगा है इसके बीच में जो चरखा है ये किस सन में रखा गया था, ये जो है कब रखा गया था, बस हमें तो यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जो है सही आंसर्स क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट जो आंसर्स होगा वो होगा 1931, कब रखा गया था भाई, ये रखा गया था 1931 में। सही आंसर्स क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा, और बिल्कुल आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, जो आपको बीच में चरखा दिख रहा है ना ये कब 1931 में रखा गया था, और इनके लिए एक लाइक जरूर बनता है, तो जो है फटाफट एक लाइक कीजिए बेहतरीन तरीके। चलो आगे बढ़ते हैं और आप जो है इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। देखो 1900 के दशक में खादी अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक ठीक है बन गया, और चरखा भारत की सामूहिक पहचान का प्रतीक बन गया है ना। अब देखो जो चरखा है सही तो हमारे जो भारतीय जो तिरंगा है, जो भारतीय राष्ट्रीय हमारा तिरंगा है, इस चरखे से तो और भी बड़ी इसकी जो है यहाँ पे शान बढ़ गई, बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने में है ना इस चरखे के थ्रू। ठीक है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने तिरंगे झंडे के केंद्र में जो है इस चरखे का उपयोग किया, कब 1931 में। बेहतरीन क्वेश्चंस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, उठा के देख लो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है, देखो तितली है, रेड फ्लाई है, जुगनू है, नाइट फ्लाई है, यानी कि किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है, वो है जुगनू, क्या है जुगनू, और ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ये भाई क्या होता है, रात में भी चमकता है, देखो है ना किस तरीके से, देखो ये इसका कलर कैसा है यहाँ पे देखो है ना, तो इस तरीके का जो है ये रात में भी चमकता है, अगर नाइट हो रही है ना और नाइट में आपको ये ठीक है इस तरह का यहाँ पे जानवर देखने को मिले अगर कहीं पर भी, तो बिल्कुल इस तरह की ही यहाँ पे रोशनी निकालता है, इस तरह की ही यहाँ से जो लाइट्स आती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सा यहाँ पे कीट है, ये कीट है यहाँ पे क्या भाई, ये कीट है यहाँ पे क्या, जानवर नहीं सॉरी, ये कीट है यहाँ पे आपका क्या, जुगनू, क्या है इसका नाम, जुगनू। और आपने कभी गाँव में भी देखा होगा है ना, एक क्या होता है जिसको कि गाँव की लैंग्वेज में पिट क्या बोलते हैं, पिट बिजना बोलते हैं ना भाई, हमें बहुत दिख हमें जो है पहले जब छोटे छोटे थे ना हमें बहुत दिखा करते इस तरह के कीट, और हमको जो बिल्कुल सेम यही वाली लाइट पड़ती थी इसी रंग की, तो हम उसको क्या बोलते थे, देखो क्या है, पटबीजना है ये। ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज में उसको यही बोलते थे, पटबीजना। तो देखो भाई ये क्या है, ये जुगनू है, क्या है ये जुगनू है। और अगर आपने भी कभी ये देखा होगा तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने भी कभी इस तरह का कीट जो है देखा है। ओके चलो, जुगनू में ल्यू देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जुगनू जो है इसमें जो है ल्यूसीफेरिन नामक वर्णक होता है, और भी प्रकाश और थोड़ी गर्मी पैदा करने के लिए इस वर्णक के साथ में ऑक्सीजन को मिलाते हैं। जुगनू को बिजली के कीड़े या फिर वर्म पंखी के रूप में भी जाना जाता है। भाई बिजली का कीड़ा इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये बिजली की तरह लाइट छोड़ता है ठीक है अपने पंखों से है ना, इसलिए यहाँ पे जो है इनको बिजली के कीड़े या फिर वर्म पंखी के रूप में भी जान सकते हैं, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। आगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बेहतरीन है ये भी, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है, तो यहाँ पे देखो इधर उत्तर प्रदेश, इधर बिहार, इधर ओडिशा, इधर राजस्थान, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का है, क्या है लोकप्रिय कला रूप है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, उड़ीसा, क्या होगा सही आंसर होगा, बिल्कुल उड़ीसा। देखो जो ये आपको यहाँ पे दिख रही है ना पटचित्र और जो चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है वो है उड़ीसा, और बिल्कुल आप जो है यहाँ पर स्क्रीन पर भी जो कि देख पा रहे होंगे है ना। एक मिनट रुके, थोड़ा एक मिनट रुको, चलिए ठीक है। हाँ यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ना इधर साइड में जो है इमेज भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये इमेज है ना, देखो अलग अलग तरह की क्या है इमेज, ये अलग अलग प्रकार की है ना, ये क्या है इधर यहाँ पे जो है किस तरह की जो है आप देख सकते हैं ये इमेज है ठीक है। और ये जो यहाँ पे बनाई हुई है ना ये इसको क्या कहते हैं उड़ीसा में पटचित्र कहते हैं, क्या कहते हैं पटचित्र इसको कहते हैं। देखो किस तरीके से बनाई हुई, बहुत शानदार, कितनी शाइनिंग एंड कितनी इसमें यहाँ पे क्लियरिटी दिख रही है, कितनी क्लियरिटी यहाँ पे जो है आपको दिख
रही और ये कहां की है भाई, ओडिशा की है। और आप एक बार इसके बारे में कुछ जानो, यहाँ पे देखो पूर्वी भारतीय राज्य ओडिशा और ओडिशा के साथ साथ में पश्चिम बंगाल में भी आधारित समकालीन कपड़ा आधारित स्क्रॉल चित्रकला के लिए एक सामान्य क्या है ये शब्द है। पटचित्र नाम संस्कृत भाषा से लिया गया। अगर पूछे जो पटचित्र नाम है कहाँ से लिया गया है, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। देखो पट जिसका अर्थ क्या होता है, कैनवास होता है। और अगर ये भी बात करें चित्र है ना, इसका अर्थ क्या होता है, छवि होता है, कैनवास की छवि, ठीक है। इसलिए पटचित्र कैनवास पर प्रस्तुत एक चित्रकला है जो कि समृद्ध रंगीन प्रदर्शन कल्पनाशील रूपांकनों और डिजाइनों के द्वारा चित्रित किया गया। देखो मैंने आपको बिल्कुल इमेज में दिखाया किस तरीके से बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एक क्लियरिटी की तरीके से उसको यहाँ पे जो है शो किया गया, उस इमेज को कितनी बेहतरीन लग रही है वो इमेज है ना, कितनी क्लियरिटी है ना उसमें, देखने में भी कितना इंटरेस्ट आ रहा है ना उसको, ठीक है। तो उसमें कार्डिनल विश्व का प्रतिनिधित्व करता है जो कि अक्षर चित्रण और भाई इसमें जो है पौराणिक होता है, ठीक है, बेहतरीन। और ये कहाँ पर है मैंने बताया, उड़ीसा में। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपके सामने रखे। किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर क्या किए हस्ताक्षर किए, 2003, 2002, 2001, 2000। किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, और भाई इन्होंने किए थे यहाँ पर 2002 में हस्ताक्षर, कब 2002 में जो है इन्होंने हस्ताक्षर जो है यहाँ पे किए थे। चलो आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन फटाफट जो है देखते रहिए और हमारे साथ में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि हम जो है लास्ट तक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कर रहे हैं, जबरदस्त बिल्कुल लेंदी क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने बोला था कि मैम थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस भी लेके आओ, तो बिल्कुल लेंदी क्वेश्चंस है, ठीक है, बिल्कुल सारे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है आपके। देखो अगस्त 2020 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने प्राप्त किया था, भाई यहाँ पे देखो मरियप्पन डी है, या फिर रोमेश पठानिया है, नरेश कुमार है, या फिर यहाँ पे अतनु दास है। तो अगस्त 2020 की बात करें, प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था, वो किया था मरियप्पन डी ने। किसने, मरियप्पन डी ने, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना इनके गले में, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, और ये जो आप इमेज देख रहे हैं किसकी इमेज है, ये है मरियप्पन डी की। और भाई इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 क्या किया था, प्राप्त किया था, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है, ठीक है, रहता है। और ये क्वेश्चंस आपका आया हुआ क्वेश्चंस भी है एग्जाम्स में, एसएससी जेडी कांस्टेबल के सारे क्वेश्चंस है जीके जीएस के। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है, भाई लेरिक्स है, या फिर यहाँ पे कहे कार्डिसेप्स है, या फिर एपिडर्मिस है, या फिर किरेटिन है। देखो मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत, देखो जो मानव शरीर की, ठीक है, जो त्वचा की क्या है, ये बाहरी, ये जो बाहरी परत है, ठीक है, ये जो बाहरी परत है इसको जो है यहाँ पे हम किस शब्द के रूप में जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो है एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। देखो जो ये हमारी स्क्रीन है ना बिल्कुल, जो ये यहाँ पे जो है सबको देखती है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे स्क्रीन देख पाए, जो आपकी स्क्रीन है फेस की, ठीक है, त्वचा की जो आपको या फिर अदर सबको दिखती है, बिल्कुल, ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, इसको जो है एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या एपिडर्मिस, क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। देखो इस तरीके से आप जो है इसको बिल्कुल, ये इसका फुल यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, किस तरीके से अंदर के सारे पार्ट यहाँ पे इधर शो किए गए हैं, बिल्कुल। देखो ये आप जो है चित्र के माध्यम से अच्छे तरीके से चीजों को कनेक्टेड कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पे जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने की कोशिश करेंगे। त्वचा तीन परतों से मिलकर बनी होती है, त्वचा तीन परतों से मिलकर, देखो एक तो एपिडर्मिस है ही, एक साथ साथ में डर्मिस होगी, और एक आपकी क्या हाइपोडर्मिस, एक तो क्या है एपिडर्मिस है और एक डर्मिस है और एक हाइपोडर्मिस है। क्या है, एक तो एपिडर्मिस है, एक डर्मिस है और एक क्या है हाइपोडर्मिस है, ठीक है। देखो एपिडर्मिस उपकला कोशिकाओं से बना होता है और इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती, भाई जो रक्त वाहिकाएं है ना, जो खून है उनका दोहराव, ठीक है, नहीं होता है, जो हमारी ये बिल्कुल स्टार्टिंग की जो परत होती है, ठीक। एपिडर्मिस की मोटाई 0.05 मिमी से 1.5 मिमी तक होती है ना, बिल्कुल इसकी मोटाई भी आपसे जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो भाई हमें थोड़ा, ठीक है, याद रखना है। आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना। देखो यहाँ पे दाबोलीम हवाई अड्डा गोवा में, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, या फिर जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात। और ये भी हाल ही की बात है, ठीक है, एक दो जो है दो तीन साल के ही, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो
निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा क्या देगा? आपको ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला क्या बना है भाई? पहला फर्स्ट जो है भारतीय हवाई अड्डा बन गया है और इसका नाम है GMR हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो सी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल हमारा राइट होगा। और जैसे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स की अगर हम बात करें, अगर हम ई बोर्डिंग सुविधा की बात करें एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ई बोर्डिंग का विकल्प चुनने वाले लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। क्या ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और वेब चेक इन कर सकते हैं। देखो ई बोर्डिंग सुविधा इसका मतलब क्या है भाई, आप घर बैठे, ठीक है, आप घर पे बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं कि हाँ हमें कहाँ जाना है, तो आपको भाई वहाँ पे ठीक है बुक जो है टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं होगी, आप घर पे बैठो ऑनलाइन बुक करो और अपना जाओ, ठीक है, बढ़िया सज धज के, है ना। एक बार यात्री के हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद डिजिटल मुद्रित बोर्डिंग कार्ड को ई बोर्डिंग स्कैनर पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। और सी भाई देखो, आपने जब यहाँ पे अपने घर पे उसको ऑनलाइन किया, लेकिन जो आपको वो ई बोर्डिंग जो आपके पास में ई बोर्डिंग जो सुविधा है आपको एक बार उसको स्कैन करना होगा जब आप, ठीक है, फिर आप जाके अपना बैठिए आराम से इंजॉय लीजिए और अपना आप ट्रेवल कीजिए। CISF कर्मी तब दस्तावेजों को मान्य करते हैं और प्रवेश की अनुमति देते हैं। देखो जब आप घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे ना, तो एक बार फिर आपको वहाँ पे स्कैन करना होगा, चेक करना होगा कि हाँ आपका ही है, आपका ही एड्रेस है, आपने ही किया था, ठीक है, फिर जैसे भी भाई जो भी आपकी बुकिंग है वहाँ पे, फिर आप जाके जाइए और बैठिए और जो है बढ़िया मजे से ट्रेवल कीजिए। चलो नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1955 में, 1953 में, 1956 में, 1954 में। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है किस वर्ष शुरू किया गया था? ये किया गया था 1954 में। कब? 1954 में जो साहित्य पुरस्कार है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये यहाँ पे जो है आपका स्टार्टिंग किया गया था 1954 में। और आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये इस तरह से होता है साहित्य पुरस्कार, बिल्कुल आप इसको जो है चित्र के माध्यम से देखिए आपको चीजें क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट से देखो, यहाँ पे देखो यह जो पुरस्कार है प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। कहाँ पे भाई? नई दिल्ली में दिया जाता है। यह हिंदी और अंग्रेजी साहित्य 24 भाषाओं में दी जाती है, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी 24 जो लैंग्वेज है ना उसमें दी गई है। इस पुरस्कार में पट्टिका और भाई रुपए 1,00,000 का नगद पुरस्कार जो है शामिल है। जिस भी बच्चे को या फिर जिसको भी, ठीक है, जिसको भी यहाँ पे यह पुरस्कार दिया जाता है जो कि साहित्य पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसमें पूरी वल्लेख की, ठीक है, नगद पुरस्कार आपको मिलता है। और ये माखनलाल चतुर्वेदी वर्ष 1955 में हिंदी श्रेणी में पहले प्राप्तकर्ता थे। इन्होंने पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्ति की थी 1955 में। आर के नारायण वर्ष 1960 में अंग्रेजी श्रेणी में पहले प्राप्तकर्ता है। अगर यहाँ पर हम बात करें हिंदी श्रेणी में पहले प्राप्तकर्ता कौन, माखनलाल चतुर्वेदी का 1955 में, और अंग्रेजी में पहले प्राप्तकर्ता की बात करें तो कौन, आर के नारायण, कब, 1960 में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने जो कि काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। चलिए स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल आपको दिख रहा है। देखो निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश, हीराकुंड ओडिशा, टिहरी बांध उत्तराखंड, सरदार सरोवर बांध गुजरात। ये हमने पढ़ा हुआ भी है अच्छे से। तो इनमें से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे बड़ा बांध है? वो है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। और देखो बिल्कुल आप इस तरीके से इमेज यहाँ पे ये क्या है भाई, ठीक है, ये है यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड में है। और ये आपको जो नजर आ रहा है ना ये है टिहरी बांध। और ये किस नदी पर है? ये जो नीचे दिख रहे हैं नदी सतलज नदी पर है। ओके चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इल्गो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? यहाँ पे देखो ये थोड़ा ऑप्शंस आपके अप डाउन होंगे, कोई बात नहीं। देखो सिलपद्दा कारण है या फिर शिशुपाल वध है या फिर रामचरितम है या फिर रेत्रे ब्राह्मण है। तो इनमें से कौन सा प्राचीन भारत में इल्गो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? देखो सही आंसर होगा क्या, शिल्पादिकारम। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, है ना, ये भाई किसमें है, ये आपकी जो है प्राचीन भारत में इल्गो द्वारा रचित एक बहुत ही फेमस तमिल महाकाव्य। यहाँ पर देखो तमिल क्या है, तमिल देखो ये है। ओके आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल सही से नजर आ रही है इमेजेस के। चलिए आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
उच्च शिक्षा के लिए बात करें, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राचीन संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1835, 1854, 1830, 1833। सो भाई यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? देखो, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना और प्राचीन संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया भाई? 1835 में। कब? 1835 में, है ना। अंग्रेजी जो शिक्षा माध्यम है कब पारित किया गया था? 1835 में। ये जो है यहाँ पे, ठीक है, प्रारंभ किया गया था। और जिससे इंग्लिश नहीं आती ना, उनसे पूछ के देखो क्या भला है इंग्लिश। वर्ष 1835 में उसने अपना स्मरण पत्र यानी कि मिनट गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेटिंग ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 क्या किया? पारित किया। भाई भाई साहब, जिस पे इंग्लिश नहीं आती ना, उससे पूछ के देखो कि, ठीक है, इंग्लिश क्या है, क्या चीज है इंग्लिश, है ना। अब यहाँ पे आपके सेशन था, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे जो है 50 ही क्वेश्चंस, है ना। जैसे कि आप सबको भी पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक सेशन में 50 क्वेश्चंस ही रखते हैं, क्योंकि देखो हमारा मेन से बढ़िया तरीके से अच्छे से समझो और समझाओ, ठीक है। तो भाई कम क्वेश्चंस करो, और हाँ बिल्कुल आप जो है चिंता मत कीजिए, थोड़ा आप हमें जो है मोटिवेट कीजिए और थोड़ा हमें जो है आप सपोर्ट कीजिए, तो फिर जो है एक बहुत ही लेंदी लेंदी सेशन लेके आएंगे और बढ़िया अच्छे अच्छे मैराथन भी आपके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के लिए जो है हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो आप हमें बताइए कि आपको सेशन अच्छा लगा, कि आपको समझ आया। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आप सर्च करके देखो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, उसकी वेबसाइट से जाके देखो, वहाँ से बिल्कुल सारे जो क्वेश्चन है ना, उनके ही शिफ्ट से मैंने उठाए हुए हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि भाई बच्चे कह रहे थे कि मैम थोड़ा लेंदी क्वेश्चन कराओ। तो बिल्कुल देखो, जिस तरह के लेवल के पूछे गए मैं वही लेवल आपको कराऊंगी कंटिन्यू, और इसके जितने भी अब तक पेपर हुए ना सारे शिफ्ट के, वो बिल्कुल मैं आपको सारे सॉल्व कराऊंगी। मैं आपको बुक से नहीं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सारे टू जेड सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि क्या पता आपको यहीं से एक दो क्वेश्चन मिल जाए तो बेहतरीन होगा, है ना। क्योंकि हम तो यही चाहेंगे और यही हम इसी कामना के साथ में हम भाई आपकी यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। सो गाइज, अगर आपको भी सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एग्जामिनेशन हम चैनल को, और फटाफट से भी ज्वाइन कर लो, और फटाफट से भी लाइक एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स लोगों में। तो चलिए फिर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।